हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक रिकॉर्ड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो काफ़ी यूजफुल होने वाली है सभी विंडोज़ यूजर के लिए, चाहे वो विंडोज़ 7 का यूज करता हो या फिर कोई भी, अगर आप विंडोज़ का पीसी लैपटॉप वगैरह कुछ भी यूज करते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहो भाई, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो यार, अगर जो विंडोज़ 10 या फिर 7 या फिर विंडोज़ 8.1, कोई भी विंडोज़ का वर्जन अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपने पायरेटेड विंडोज़ को इंस्टॉल किया है अपने पीसी में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितना ख़तरनाक है। अगर नहीं है पता तो मैं आपको बता दूं, जहां से भी आपने कोई भी टोरेंट, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है, तो अब उसमें आपको रिस्क रहता है आपके डाटास का, मतलब आपके डेटा का, मतलब जो भी आपने अपने पीसी में रखा है वो कभी भी करप्ट हो सकता है, कोई भी वायरस कभी भी इंटर कर सकता है। और एक बात और, जैसे आप यूज करते हो विंडोज़ को, तो आपको जिस भी डेवलपर ने उसको कस्टमाइज किया है वो आपको क्रैक्ड विंडोज़ आपको अपने वेबसाइट पे अपलोड करके दिया है, वो उसमें कस्टमाइजेशन करके भी देता है। ओबियसली देता ही होगा यार, क्योंकि वो अपना फ़ायदा तो चाहता है। तो यार, एक बात तो सिंपल है, इंडिया में ज़्यादा लोग जो है पायरेटेड विंडोज़ को ही यूज करते हैं। और अगर जो आपकी आपको डाटा की प्रॉब्लम है, अगर डाटा की टेंशन है, और आप जो है ज़्यादा पैसा के कारण, जैसे आपको पता होगा विंडोज़ 10 की बात करें या फिर 10 प्रो की बात करें, तो आपको 12-15 हज़ार लग जाता है आपको की के साथ परचेस करने में। तो ऐसे में तो लोग अब यार 12-15 हज़ार थोड़ी कोई लगाना चाहेगा, ऐसे में वो जो है वही थर्ड पार्टी मतलब क्रैक्ड विंडोज़ यूज करता है। तो ऐसे मैं आपको आज बताऊँगा कि आप कैसे जो है बस 1000-2000 के अंदर जो है कैसे विंडोज़ को, विंडोज़ का जो है की परचेस कर सकते हो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लाइसेंसी, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कम से कम दाम में आपको 12-15 हज़ार खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यार, यहाँ पे एक और पॉइंट वाली बात आ जाती है कि जो है ना विंडोज़ का की दो प्रकार का होता है, एक OEM की होता है और एक रिटेल की होता है। OEM की में अगर आप एक बार परचेस करते हो, OEM पहले नंबर तो सस्ता मिलता है, उसको आप एक बार एक्टिवेट कर सकते हो किसी भी पीसी में। आपने एक बार एक्टिवेट किया और मान लीजिए कभी क्रैक कुछ वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गया, पीसी में फॉर्मेट करना पड़ा, तो दूसरी बार जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करोगे तो वो OEM का की जो है काम में नहीं आएगा। और एक दूसरे टाइप का की होता है वो रिटेल की होता है, थोड़ा सा मतलब 500-600 ज़्यादा आपको रुपया लगता है रिटेल की का प्राइस, तो वो जो है ना आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। मैं बात को रिपीट नहीं करूँगा, वो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो रिटेल की को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कभी भी आप परचेस करो की को तो आप रिटेल की ही परचेस करो। तो यार चलो, मैं प्रैक्टिकली परचेस करके बताऊँगा और उसको एक्टिवेट करके बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको बीच रास्ते में छोड़ दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पीसी रहे या फिर मतलब कोई मोबाइल में भी परचेस कर सकते हो, तो ये विंडोज़ 10 ऑफ़र आपको सर्च करना है अपने ब्राउज़र में, मोबाइल का ब्राउज़र रहे या फिर पीसी का। और ये ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है विंडोज़ 10 ऑफ़र। ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा कीस, जैसे विंडोज़ 7 का, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, या फिर विंडोज़ 7 अल्टीमेट, 8.1 प्रो, विंडोज़ 10 प्रो। तो यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, विंडोज़ 10 प्रो का फुल रिटेल की 64 बिट, 32 बिट आपको बस 2500 में मिल रहा है। और यहाँ पे विंडोज़ 8.1 वो भी आपको 2500 में दे रहा है, 7 अल्टीमेट वो भी यहाँ पे 2500 में। तो यार यहाँ पे ख़रीदने के लिए ना आपको बस यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाता है इसका प्राइस, प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ पे कूपन कोड भी साइड में आप देख रहे होंगे। तो यार ये जो 2500 रुपया दाम है ना इसका, इस ये जो 2500 रुपया तो ऐसे ही आपको कम में मिल रहा है, लेकिन उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड में TDH750 लिख के अप्लाई करते हो, तो आपका ये जो 12-15 हज़ार का विंडोज़ जो है ना विंडोज़ 10 प्रो का लाइसेंस की, वो आपका बस 1700 रुपया में हो जाता है, 1750 रुपया में। तो यहाँ पे आपको 2500 रुपया तो दाम है, उसमें 700 रुपया माइनस करने के लिए, 750 माइनस करने के लिए यहाँ पे कूपन कोड में TDH कैपिटल में आपको 750 लिखना है, TDH 750।
750 यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बस 1750 रुपये का ये बन चुका है प्रोडक्ट। तो यार यहाँ पर ना एक क्वेश्चन सवाल उठ जाता है, यार ये 15000 का चीज हमें 1700 रुपये में कैसे मिल रहा है, कैसे ये कितना सस्ता मिल रहा है। तो यार ये वेबसाइट वाला जो है ना दूसरे देश से बहुत ज़्यादा की जो है एक बार में खरीदता है, इसलिए हमें सस्ते में यह सेल करता है। तब यहाँ पे मैंने प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। तो अब यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको एड्रेस, बिलिंग एड्रेस आपको मांगता है। तो एक बात और, टेंशन मत लो यार, यहाँ पे आपको ये घर पे पहुँचाने के लिए नहीं आएगा, यहाँ पे बस आपको मेल कर देगा जो की रहेगा। वैसे भी आपको भी टाइम ज़्यादा टाइम आपको पसंद नहीं होगा ज़्यादा टाइम बर्बाद करना, तो इसलिए आपको डिजिटल में ही आपको पेमेंट करो और आपको मेल में ही की मिल जाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस देने के बाद आपको प्रोसीड टू चेकआउट कर देनी है उसी तरह से, और यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट नंबर या फिर UPI से या फिर वेबसाइट से कोई है तो यहाँ से पेमेंट कर दो। तो नॉर्मली यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अपना ATM कार्ड वगैरह, तो या तो UPI यूज कर लो और अपना UPI से पेमेंट वगैरह कर दो, और पेमेंट करने के बाद बस आपका यहाँ पे पे करने के बाद आपको एक मेल आएगा इसी वेबसाइट की तरफ से, जिसमें कि आपको रहेगा वहाँ पे लिखा हुआ जो की रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने परचेस किया, तो यहाँ पे परचेस करने के बाद मुझे मेल आया था विंडोज़ 10 प्रो फुल ओरिजिनल 32-64 बिट लाइसेंस, और ये जो मैंने ब्लैक जो कलर आपको दिख रहा है वो मैंने हाइड किया है, क्योंकि यार मेरा लाइसेंस है, नन ऑफ योर लाइसेंस, तो इसलिए अब मुझे एक्टिवेट करना है। तो मैंने उस की को कॉपी कर लिया, और की को कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी जो आपको मिलता है उसमें आपको जाना है, और यहाँ पे एक्टिवेशन आपको मिलता है। तो एक्टिवेशन पे जाने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है एक्टिवेशन पे, और यहाँ पे चेंज प्रोडक्ट की आता है, तो वहाँ पे जाने के बाद इसे आपको अप्लाई कर देनी है, पेस्ट करना है बस यार, पेस्ट करके नेक्स्ट करो और ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको एक बात सजेशन देना चाहूँगा, ये पायरेटेड विंडोज़ में ही बस एक्टिवेट मत कर देना, वैसे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा विंडोज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाके कोई भी अपना फेवरेट विंडोज़ जो भी है उसे डाउनलोड करके फ्री में डाउनलोड करो और उसे एक्टिवेट कर दो, ऑफिशियली आपका मतलब हो जाएगा। और यार एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई फेक डुप्लीकेट नहीं है, इसके बारे में प्रिंस चंद्रा या फिर टेक्निकल दोस्त ने, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ने बनाया है, तो ये कोई फेक नहीं है, टेंशन मत लेना भाई। वैसे मैं हूँ और ये वेबसाइट वाला भी है, उसे भी मेल करके बात कर सकते हो, हेल्प करेगा आपकी। और यार जो लोग अभी तक घुट घुट के जी रहे थे उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी जो है जान पाए, सब्सक्राइब कर लो यार, भेज दो सभी के साथ।